अब भारत में नागरिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के कर्नाटक दौरे पर पहुंचे बेंगलुरु। पीएम ने तुमकुर में श्री श्री शिवकुमार स्वामी जी के स्मारक संग्रहालय की रखी आधारशिला। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि संसद ने नागरिकता संशोधन कानून बनाकर ऐतिहासिक काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में पीएम किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त जारी की। पीएम ने 8 राज्यों के प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को दिया प्रमाण पत्र। पीएम ने राज्यों को कृषि कर्मठ पुरस्कार और प्रशंसा पुरस्कार किया वितरित। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल नोट के मूल वर्ग की पहचान के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए मनी ऐप मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफाई लॉन्च किया। मनी ऐप में नोट को पहचानने के लिए मदद के लिहाज से एक ऑडियो प्रिंटिंग आधारित चिन्ह दिए गए हैं। TRAI ने टीवी चैनल्स के दामों को रेगुलेट करने के नए निर्देश जारी कर दिए हैं। नए टैरिफ ऑर्डर में निर्देश दिया गया है कि बुके में शामिल किए गए एक चैनल का दाम 12 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता और एक बुके में 200 चैनल के लिए 130 रुपए महीने से ज्यादा वसूले नहीं जा सकते। आज सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो साझा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व संग्रहण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राजस्व प्राप्तियों से जुड़े विभागों में सभी स्तरों पर सक्रियता लाने के लिए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सभी 18 मंडलों के फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर देहात में भोगनीपुर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता को संबोधित करते हुए सरकार की तमाम योजनाएं गिनाई और विपक्ष को घेरते हुए जमकर बरसे। वहीं जिले में 32 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वृंदावन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर कांग्रेस सपा और बसपा अपनी रोटी सेक रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ये पहले कानून का अध्ययन करें और देश की जनता को गुमराह करने का काम न करें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने वाराणसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि नागरिक संशोधन कानून और NRC पर विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून से देश के किसी भी नागरिक को कोई खतरा नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन बिल बनाए जाने के बाद हापुड़ जनपद में रह रहे करीब 500 बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता मिलने की उम्मीद जगी है। इसको लेकर ब्रजघाट के ग्राम गंगानगर में करीब 120 बांग्लादेशी परिवारों केंद्र की भाजपा सरकार को धन्यवाद दिया है। पूर्व सांसद और वरिष्ठ NCP नेता DP त्रिपाठी का आज दिल्ली में निधन हो गया। वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। वर्तमान में वो NCP के राष्ट्रीय महासचिव थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने DP त्रिपाठी के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रतापगढ़ जनपद में जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने मिलकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को उनके गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी क्रम में जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी ने कटैया गांव में संगोष्ठी की। बरेली में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने अनोखी पहल शुरू की है। एक गांव एक दिन मिशन कायाकल्प के तहत बरेली के जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को नववर्ष के अवसर पर उपहार स्वरूप योजनाओं की सौगात दी है। जिलाधिकारी ने एक वर्ष में 300 गांव को संवारने का विश्वास दिलाया है। बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल 9वीं बटालियन ने बलरामपुर में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाकर जवानों और क्षेत्रवासियों को सहयोग के लिए बधाई दी। सशस्त्र सीमा बल लगातार पिछले क्षेत्रों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी चला रहा है। सोनभद्र जिले के तियरा स्टेडियम में खेलो इंडिया के तहत 2 दिवसीय खेलकूद का आयोजन किया गया। पूरे जिले के 8 ब्लॉक से आए प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और खेलों के प्रति रुझान बढ़ने का संदेश भी दिया।